नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और आज अमर पासवान ने ओथ लिया है। अमर पासवान और उनकी पत्नी यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज आपने ओथ लिया है, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी और गर्वांगित महसूस हो रहा है कि आज बाबू जी का जो सपना था कहीं ना कहीं समाज के प्रति समर्पित होकर जो उन्होंने काम करते थे, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया और उसके प्रति मुझे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है बाबूजी को, और मैं पूरी निष्ठा के साथ जनता के बीच में अपना कार्य करते रहूँगा, उनके हर समस्याओं का समाधान के लिए तत्परता के साथ आगे रहूँगा। आपने कहा था कि जब आप ओथ लेंगे तो आज धोती में आए हैं, क्या कारण? जी ज़रूर, कहीं ना कहीं उनके साथ, बाबूजी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था और आज मैं उन्हीं की सारी जो भी वेशभूषा उन्होंने 2020 में जब शपथ लेते हुए पहनी थी, वही आज मैंने भी वही ड्रेस, चाहे चप्पल हो, धोती हो, कुर्ता हो या उनकी बंडी हो, तो एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता और हमेशा उनके स्पर्श की मौजूदगी मेरे साथ रहती है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी वेशभाषा, मैं जब भी विधानसभा आऊँ तो ये चीज़ को मैं दोहराते रहूँगा, और उनके, क्योंकि ये टर्म जनता ने उन्हें दिया था और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को धोती कुर्ते के साथ ही मैं उनके टर्म को मैं रखना चाहूँगा। सवाल ये भी है कि आपने, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ गई, आज आपने ओथ भी ले लिया। जी जी, आगे की क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे? जी, मैं पूर्व से भी कह चुका हूँ कि सर्वसम्मान जनता के साथ रह के जो भी सामाजिक कार्य सबसे पूर्ण रूप से होना हो, जो क्षेत्र में सबसे ज़रूरी काम हो, पूर्ण रूप से तो सामाजिक स्तर पे पहले इकट्ठा हो के उसको काम किया जाएगा, और जो भी समाज में त्रुटियां हैं और उनके ऊपर आवाज़ उठाने की बात है तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्परता के साथ आगे रहूँगा। कितनी खुशी है आज, उस दिन तो आप काफ़ी झूम रही थी। नहीं नहीं, बहुत ही खुशी है, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, और पहले ससुर जी विधायक थे और अब पति हैं, तो ये गर्व की बात है, और जो जिम्मेवारियाँ हैं वो निभाएंगे। क्या लगता है, एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है? हाँ, एक नया लाइफ में एक है पड़ाव आया है और निभाएंगे। अमर जी जिम्मेदारियाँ भी हैं, साथ में निभाएंगे और उनके साथ हूँ। आप उनका साथ बखूबी देंगे? साथ दूंगी और उनके साथ ही हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था पर शादी को, पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ये हो गई, पर निभाया जाएगा साथ। कब शादी हुई थी? 2 साल पहले शादी हुई थी जी, और उसके बाद ससुर जी का देहांत हो गया और अब ये विधायक बने हैं, तो जिम्मेदारियाँ तो हैं। जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दूंगी कि कोई भी परेशानी हो तो द्वार तो खुले ही हैं घर के, आप ज़रूर आएं और संपर्क करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट अमरजीत से जो रहते हैं वो क्षेत्र में भी रहते हैं और घर पे भी अवेलेबल रहते हैं, तो अमरजीत आपका ज़रूर सहयोग करेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, तात्पर्य होता है कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, और एक मेरे को लगता है ये एक प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर विलंब हो जाए तो उसके लिए क्षमा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी काम हो जल्द से जल्द हो जाए। अमर जी भी उसी में लगे रहते हैं। काफ़ी वोट से आप जीती हैं, उम्मीद भी ज़्यादा है। उम्मीद भी ज़्यादा है हम पे। बिल्कुल, चलिए देखिए, अमर पासवान और उनकी पत्नी थी हमारे साथ, मनीष फाउंडेशन के साथ।